और उसके बाद थोड़ा बांग्लादेश भी आपको घुमाएंगे। सो लेट्स जस्ट सी, आप भी देखिएगा हमारे साथ के बांग्लादेश कैसा होता है। हमने वैसे पाकिस्तान से निकलने से पहले अंडर एस्टिमेट किया था बांग्लादेश को, बट द थिंग्स वी आर वॉचिंग ओवर हियर दैट्स रियली अमेजिंग, वे बेटर देन अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश, केमन आछे सबाई? आशा करी आपनार सबाई भालो आछेन, आलहमदुलिल्लाह आमी भालो आछी। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन लेके आया हूँ, वीडियो है पाकिस्तानी कपल है जी, पाकिस्तान टू बांग्लादेश व्लॉग। तो वो बांग्लादेश आए हैं और बांग्लादेश में 5-स्टार होटल में वो रहेंगे और वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है ये, और हम भी देखेंगे बांग्लादेश का 5-स्टार होटल कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं और उसका होटल का स्टाफ कैसा है और फूड कैसा है और क्या क्या डिशेस होती हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है ये। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना कोई देर के करता हूँ आज का वीडियो स्टार्ट, मेरे साथ रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हियर वी गो। The immigration, and let me just tell you that immigration was way difficult than the other countries. Yes. For the Pakistani passport, like, don't ask me what we have to do for that. Just go there, and we've been like. Do you want to say something? No. She's fully excited for that. And now she's exhausted. In a hotel right now, and I've been welcomed with this fresh apple juice. It's really welcome and drinking for us because it's been a really hectic flight and time. The good news is just going to in a process. Iske baad hum room mein jayenge, fir we'll keep you posted, and till that, stay tuned. ब्यूटीफुल। अगर आपने कोई काम वगैरह करना है तो बस इसे आप एक रिलैक्स होकर चेयर पर बैठकर आपने किसी भी काम भी कर सकते हैं, और इसके साथ ये भी एक रिलैक्सेशन चेयर रखी हुई है कॉर्नर पे। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है हमेशा जब चेक इन करती हूँ, वॉशरूम अब माना कि हम बांग्लादेश आ गए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम सब कुछ सामने सामने करेंगे। ये वॉशरूम है और मैडम यहाँ से मुझे देख सकती हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। काफी देर से मैं ढूंढ रहा था इसको कैसे हाइड किया जाएगा, तो सो दैट्स हाउ वी गोना हाइड दिस पिक्चर फ्रॉम दी। ओ वाह, टाटा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इट्स अ डे टू इन बांग्लादेश। रात को हम यहाँ पे अराइव हुए थे और होटल में चेक इन किया, सब कुछ किया, बट तबीयत इतनी नासाज थी कि कोई हम वीडियो नहीं बना सके, कोई कुछ नहीं कर सके। अभी जब अभी हम उठे हैं, जस्ट गोइंग टू क्विकली लीव फॉर द ब्रेकफास्ट। हियर इज द मैडम, ब्रेकफास्ट के लिए भी ये लोग तो फिर अब क्या कर सकते हैं।
सो अभी क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के लिए लीव करेंगे, फिर उसके बाद हम वेन्यू पे जाएंगे जिस पर्पस के लिए बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं बांग्लादेश में। सरप्राइज तो ऑलरेडी दे चुके हैं, हमारा पहला ब्लॉग देखा है, लोगों को तो पता चल गया होगा हम क्यों आए हुए हैं। एग्जैक्टली नहीं देखा वो देखेंगे आज कि हम क्या करने आए हैं बांग्लादेश। एग्जैक्टली सो फिर आपको सो अभी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि रूम कौन सा है हमारे पास और कैसा व्यू है रूम का, और उसके बाद थोड़ा बांग्लादेश भी आपको घुमाएंगे। तो लेट्स जस्ट सी, आप भी देखिएगा हमारे साथ के बांग्लादेश कैसा होता है। हमने वैसे पाकिस्तान से निकलने से पहले अंडर एस्टिमेट किया था बांग्लादेश को, बट द थिंग्स वी आर वॉचिंग ओवर हियर इज रियली अमेजिंग, वे बेटर देन अस। यस सो गाइस ये रूम का व्यू है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इट्स रियली गुड व्यू, लाइक पाकिस्तान में जहाँ आप मरी वगैरह फिर से जाते हैं साइड हिल स्टेशन पे, तो वैसा व्यू कुछ मिलता है हमें। With these two amazing drinks, which is fresh orange juice and some kind of sweet lassi, that's really amazing with the strawberry sweet flavor. And she's having a fruit with the strawberry, as always, which is the favorite part of her. सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पे baked beans, which is really good. Seems good. Boiled eggs? नहीं, दुकानों लेते हैं पाकिस्तान में. This is not good for the breakfast, you know. You can taste it, but it's fine. Salted mushrooms. No, well, not in the morning at least. Upma, no. I don't know what is it. Do you want to try? Okay, let's just go for it. Chicken. Okay, I'll go for that. There's only one piece of nuggets. That's for us. Two cakes, one for me and for you. Porridge, no. Some kind of tea. That's the mixed vegetable, veggie, no. Number of the veggies. Chicken. Bhuna. Bhuna chicken. Aloo paratha. Yeah, just go for one piece. Like a paratha. मैंने अभी जो है वो ऑमलेट ऑर्डर किया है, सम वेजेस, वेजेस ही हो गए। स्पेशल ऑमलेट है
वैसे अमूमन ये होता है कि मैं इनको सर्व करता हूँ जब भी किसी होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो आज ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ मैडम की, तो मैडम जो है वो मुझे सर्व कर रही है। देखें तरह तरह की डिशेज, माय गॉड, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा अभी तक? ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। पाकिस्तानी कपल जो के पाकिस्तान से बांग्लादेश आया था विजिट के लिए, तो उन्होंने 5-स्टार होटल में अपना रूम दिखाया और वहाँ का फूड चेक करवाया कि फूड कैसा होता है 5-स्टार होटल में। लाइक पाकिस्तान, सेम पाकिस्तान की तरह था काफ़ी जो चीज़ें थी, तो ज़बरदस्त और ऑसम। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि बांग्लादेश, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि बांग्लादेश इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है बांग्लादेश। और बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा व्लॉग बनाया इन्होंने। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सुस्त थाकुन, भालो थाकुन।